तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी सुबह के 9 बज गए हैं और आज मुझे कॉल आया था शाम को पूर्णिमा दीदी जी का कि आज वो बुआ जी, बुब्बू जी, इवान आज सब हमारे यहाँ आ रहे हैं। तो मुझे पहले ही कॉल आ गया है कि आज तो वीडियो बननी ही चाहिए। इवान फर्स्ट टाइम हमारे घर आ रहा है तो उसकी वीडियो भी बननी चाहिए। तो दोस्तों आज मेरे साथ बने रहिए और देखिए कि आज हम कैसी कैसी मस्ती करते हैं, कैसे हम उनका वेलकम करते हैं पूर्णिमा दीदी का, और हम सब की फरमाइश पे पेश है आज के वीडियो। तो बने रहे मेरे साथ। साथ तेरा नाम सजा के रखता हूं यार मैं तुझे ख्वाब बना के, हर किस्से पे हर पन्ने पे तुझको पढ़ता है, फिरता रहता है पागल सा बस ये कहता है कि तुझ बिन, कि तुझ बिन नहीं लगता भाई जी, प्यारी पौने चरण वंदना जी, राम राम। आओ लुका छुपी बहुत हुई सामने आ जाना, जोकर ढूंढा तुझे थक गई है अब तेरी माँ, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिकर धुंधला गई, देख मेरी नजर आ जाना, आजा सांझ हुई मुझे तेरी फिकर धुंधला गई। तो आज मैं और बुआ जी हमारी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं रोड चढ़ा रहे हैं। जब हम हमारी कोई नई फसल होती है तो उस नई फसल के जो पहली फसल का जो पहला पहला बुआ जी क्या होता है, पहली फसल को हम प्रभु के चरणों में अर्पित करते हैं। तो उसका हम अगर चपातियों वाली फसल है तो हम चपाती सबसे पहली चपाती भगवान जी को चढ़ाते हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्पेशल आटा उन्हीं के लिए रखते हैं, जो पहला आटा हम कटवाते हैं। तो आज बुआ जी हमारे यहाँ आई है भगवान जी को रोट चढ़ाने नई फसल का।
तो जो हमारी नई फसल का जो पहला हिस्सा है वो हमारे कुल देवता, हमारे इष्ट देवता जी को जाता है। तो नियम तो ये है, क्योंकि मंदिर में जाके इंसान को खुद जाके वहाँ पर जो पहला हिस्सा है वो उन्हें समर्पित करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी कारण से इंसान नहीं जा पाए तो आप घर में ही भगवान जी को स्मरण करके उन्हें यहीं पे पहला भोग लगा के उन्हें पहला हिस्सा समर्पित कर सकते। अब हमने भगवान जी को रोड चढ़ा दिया तो अब हम सभी को प्रसाद बांट रहे हैं। दोस्तों हमारे बब्बू जी हैं कैंडी क्रश सागा के चैंपियन, तो अगर किसी से कोई कैंडी क्रश सागा का वर्जन क्रैक नहीं हो रहा है तो आप हमारे बब्बू जी के पास आ सकते हैं। बब्बू जी हैं हमारे चैंपियन। बब्बू जी फिर बोलना चाहेंगे? बब्बू जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इवान बड़ा होके क्या बनेगा मुझे आज बताना पड़ेगा, तभी एडमिशन मिलेगी ना अच्छे कॉलेज में। इवान गलाने पवा नी गलांगे ते कोई नहीं दिंदा रोटी भी बोलने पोई करना ते जो मैं दूध पीने तो दूध में मिलना नहीं ना पानी भी नहीं मिल रहा इतनी समझी गया समझिया समझी गया। एक दिन आप यो हमको मिल जाएंगे फूल। मुझे बताओ कि सबसे प्यारा कौन है, मामू या मामू? बताओ मुझे। हाँ बताओ, आज बताना ही पड़ेगा वरना मैं नहीं बताऊंगा। किस भी कर दो मामू को। पैदल आंदे बुआ जी, फिर क्यों होना हा? इवान घर आ रहा है जो केड़ा लग रहा है वो तो हिंदी सटिंग रहे हो। मेरी बहन भी बुआ भी हिंदी मारी करने। तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, तुझको ना देखूं तो जी घबराता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, ये कैसा रिश्ता है कैसा नाता है, ये कैसा रिश्ता है कैसा नाता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है, देख के तुझको दिल को मेरे चैन आता है। ओ, 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 ओ,
किसी किरर से आए तुम परदेसी किरर से आए आते ही मेरे मन में समाए करूं क्या हाथों से मन निकला जाए करूं क्या हाथों से मन निकला जाए छोटे छोटे झरने हैं आसाए वा छोटे छोटे झरने हैं के झरनों का पानी छूके कुछ वादे करने हैं हुस्न पहाड़ों का ओ साहेबा हुस्न पहाड़ों का क्या कहना के बारों महीने यह मौसम जाड़ों बबू जी प्यारी बोना प्यारी बोना सब प्यारी बोना ओ शिमले निवसना कसौली निवसना चंबे जाना जरूर है ओ चंबे जाना जरूर माए नी मेरी शिमले दिराए चंबा कितनी दूर है चंबा कितनी दूर